हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अनुज कुकिंग डायरी में आप सबको स्वागत है। आज मैं बनाने वाला है मूंगाबाजी करी। ये डायबिटीज को लेके बहुत अच्छा है ये करी। आप ऐसा बना के टेस्ट कैसा है जरूर बता दीजिए। इसको कैसा बनाए देखेगा, आइए। ले पत्ता को गीला मत करना। ये पत्ता लेने के टाइम आप इसको कड़ा पत्ता नहीं लेना, मुलाई पत्ता लेना। बहुत टेस्ट आता है करी। ये कड़ा पत्ता लेने तो ये चटनी के लिए अच्छा रहेगा। पहले ये पूरा गोड़ा तोड़ के पत्ता को एक बाउल में डाल दीजिए। वैसा ये पत्ता को तोड़ के एक बाउल में डाल दीजिए। ये सेपरेट कर लीजिए। उसको बाद 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद ये पूरा डूबने तक पानी डाल दीजिए। पानी डाल के 3-4 टाइम्स पत्ता के लिए अच्छे से साफ कर लीजिए। पत्ता के मसल के पूरा अच्छे से साफ कर लीजिए। ये नमक डाले तो थोड़ा से कुछ कीड़ा रहे तो पत्ता में डस्ट जल्दी निकलेगा। ऐसा पत्ता को 3-4 टाइम्स ऐसे साफ करने के बाद अभी सब्जी कैसा बनाएगा देखेगा, आइए। ये मूंगा भाजी बनाने के लिए स्टोव ऑन करके पैन रख दीजिए। पैन रखने के बाद 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल बहुत गर्म हो गया। गर्म होने के बाद 3-4 लहसुन को कूट के डाल दीजिए। इसी में 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 लाल मिर्ची इसी में डाल दीजिए। छोटा छोटा पीसेस करके डाल दीजिए कट मिर्ची। फ्राई होने के बाद इतना साइज ऑनियन, 2 ऑनियंस ले लिया मैं। ये 2 ऑनियंस पीसेस कट करके इसी में डाल दीजिए। इसी में करी पत्ता, धनिया लीव्स, 1 लाल मिर्ची, 1 लीफ। कलर चेंज होके तक फ्राई कर लीजिए। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दीजिए। नमक डाले तो ये जल्दी पक जाएगा ऑनियंस। ये मूंगा भाजी करी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सब खा सकता है। ये डायबिटीज वाला को और डिलीवरी वाला को ये बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। ये जरूर आप बना के डायबिटीज वाला को जरूर खिलाइए। पकने के बाद 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर। फ्राई होने के बाद 1 टमाटा, छोटा टमाटा सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। टमाटा अच्छे से पक गया। पकने के बाद ये हम लोग क्लीन करने के मूंग भाजी को इसी में डाल दीजिए। ये पहले ऐसा दिखाएगा, ये पकने के बाद थोड़ा सा दिखाएगा। ऑफ फ्लेम में रख के ढक्कन लगा के पूरा पानी इसी में, कुछ भी ऐड मत करना, ऐसा पकाने दीजिए। स्टोव लो फ्लेम में रख के इसको 5 मिनट तक पका लीजिए। बीच बीच में थोड़ा हिलते रहना। अभी ढक्कन खोल दीजिए। खोलने के बाद देखना, अभी देखो पत्ता हो बहुत पक गया। ऐसे पकने के बाद थोड़ा से 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। पत्ता बहुत पकने के बाद आप पानी डाल दीजिए। तब तक पानी डालना मत। 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं इसमें। पानी डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिए। इसके बाद ढक्कन लगा के पूरा 10 मिनट तक पकाने दीजिए। अभी ढक्कन खोलने के बाद पानी पूरा नहीं है, ड्राई हो गया। देखता हूँ, बंद कर लीजिए। सर्विंग प्लेट में ले लिए। मूंगा भाजी करी तैयार हो गया है। आप ऐसा बना के टेस्ट कैसा है जरूर बता दीजिए कमेंट्स में। अगर मेरा चैनल पसंद हो जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फैमिली तो फ्रेंड्स तो शेयर करना आप जरूर भूलना मत। थैंक यू।